स्वागत है आपका गीताज खाना में। आज हम राधा रानी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, जो कान्हा जी के लिए बना चुके हैं ड्रेस। देखिए हम राधा रानी के लिए ड्रेस बना रहे हैं, ऊपर से उसी मैचिंग की ड्रेस बनाएंगे। देखिए उसी कपड़ा और उसी लेस का इस्तेमाल करेंगे लहंगा बनाने के लिए। देखिए मैं ये 12 इंच रखूंगी, 12 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी पट्टी ले लेंगे। उसको अस्तर के ऊपर अटैच कर देते हैं। देखिए अस्तर है, इसके ऊपर हम इस उल्टा पट्टी रखेंगे और इसकी 3 साइड सिल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे, सीधा कर लेंगे इसको, ऊपर से सिलाई लगा देंगे एक बार। देखिए इसको थोड़ा सा बाहर निकालूंगी मैं, ज़्यादा नहीं निकालूंगी। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर देंगे, एक सिलाई लगा लेंगे घेरे के अंदर, प्लेटें सही से डल जाएंगी हमारी। 2.5 से 3 इंच की कमर रखनी है, ज़्यादा कमर नहीं रखनी है। इस तरह से हम प्लेटें डाल लेंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह से घेरा बन जाएगा हमारा। घेरे को नाप लेंगे, 1.5 इंच लंबी 4 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है मैंने, इसको फोल्ड कर लेते अपने घेरे से 1 इंच एक्स्ट्रा पट्टी ले लेंगे बस। घेरे को उल्टा रखेंगे, पट्टी को भी उल्टा रखेंगे, सीधा कर लेंगे, डोरी रखेंगे इसके ऊपर। डोरी मेरी पहले ही बन गई थी, मैं नीचे वाली सिलाई नजर ना आए इस तरह से पट्टी लगाएंगे और डोरी भी ना सिले। देखिए हमारा घेरा तैयार हो गया है। कि हमारा घेरा तैयार हो गया, अब हम चोली तैयार कर लेते हैं। देखिए चोली बनाने के लिए हम 4 इंच लंबी 1 इंच चौड़ी पट्टी ले रहे हैं हम। देखिए अपनी पट्टी को अस्तर के ऊपर रखेंगे उल्टा, इसमें मैं दोनों तरफ पाइपिंग लगा रही हूँ। देखिए हमने नीचे पट्टी रखी है अस्तर की, ऊपर से चोली की पट्टी रखी है, फिर हमने पाइपिंग वाली पट्टी रखी है, दूसरी पट्टी भी रख लेंगे। देखिए इसको इससे पीछे करेंगे हम, एक बार टर्न करेंगे, दोबारा टर्न करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। आप पहले भी कपड़े की कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा मेरा फिसल रहा था थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने इसीलिए बाद में कटिंग कर रही हूँ मैं। दूसरी साइड पाइपिंग लगा रहे हैं, पीछे की साइड एक बार टर्न करेंगे, दोबारा टर्न करेंगे, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसकी कटिंग कर देंगे बीच में से। देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे रखेंगे और करीब 1.25 इंच के करीब सिलेंगे इसको। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हम चोली के अंदर अटैच करेंगे इसको। एक एक प्लेटें ऐसी हमने डाल, एक तरह से हमने एक एक प्लेट डाल दी है यहाँ पे, तो ये हमारी फिटिंग अच्छी आएगी, सिलाई के ऊपर ही सिलाई आए। देखिए हमारा राधा रानी की हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। अब मेरी 9 इंच की पट्टी है, काफ़ी है नी बनाने के लिए राधा रानी की, और 4 इंच चौड़ी है, काफ़ी है मेरी। देखिए इसके हम 4 फोल्ड कर लेते हैं, चारों साइडें फोल्ड कर देते हैं सबसे पहले। आपके पास पूरी है तो आप चारों तरफ लगा लेंगे, मेरी जितनी है मैं उतनी लेस लगा लेती हूँ। देखिए अब इस तरह से अपनी लेस लगाएंगे हम, थोड़ी सी लेस बाहर निकाली है, बाकी हमने पट्टी के ऊपर रखी है। और यहाँ से देखिए इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों छोर पकड़ेंगे, या आप कटिंग भी कर सकते हैं, मैंने इसको इस तरह से। ये देखिए इधर मोड़ लें या इधर मोड़ लें, इसको किधर भी मोड़ सकते हैं, मैंने दोनों इसी तरफ मोड़े हैं। देखिए इसी तरह से हमारी राधा रानी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। शायद वीडियो मेरी 1% ना डल पाए। देखिए हमारी राधा की कान्हा जी की पोशाक पहनाकर कितनी सुंदर लग रही है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये ड्रेस बन जाएंगी। ये वीडियो मेरी थोड़ी लेट डल पाएगी, एक थोड़ी मैं लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरी टाइम से बन गई है, इसलिए मेरा श्रृंगार तो हो चुका है। मेरी बहुत ही सुंदर सी कान्हा जी की, कृष्णा की और राधा रानी की मेरी पोशाक बनकर तैयार है, पहना दी मैंने। बहुत ही सुंदर मेरे कान्हा लग रहे हैं, राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही हैं।
आप इस तरह से ड्रेस बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से ड्रेस बन जाएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।